नमस्कार दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरुण व्यास जी। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अरुण व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दबंग न्यूज स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दबंग दुनिया का। वास्तुशास्त्र एक संस्कृत का शब्द वास से बना हुआ है, जिसका मीनिंग है आवास और निवास। हमारे निवास और आवास की वो व्यवस्था जिससे हर व्यक्ति, हर परिवार, हर जीवन शैली को एक अच्छे सुंदरता के साथ, स्वास्थ्य के साथ, समृद्धि के साथ एक व्यवस्थित तौर पे जीवन यापन कर सके, एक इस तरीके की व्यवस्था जो है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आती है। और ये वास्तुशास्त्र जो है सैद्धांतिक वैज्ञानिक तौर पर पूर्णतः परिपूर्ण है, और किसी भी प्रकार का इसमें धर्म अंधविश्वास से या डराकर कुछ करने वाली कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वास्तुशास्त्र के द्वारा हम अपने जीवन को समृद्ध तौर पे और स्वस्थता की ओर अग्रसर कर सकते हैं और अपने भाग को भी परिवर्तित कर सकते हैं। व्यास जी, मैं जानना चाहूँगा कि वास्तु जो है इसका जीवन में क्या क्या भूमिका है, क्या इसके परिणाम है, क्या दुष्परिणाम है, बताएं आप दर्शकों को। वास्तु हमारे द्वारा मकान बनाए गए या हमारे द्वारा बनाए गए कमर्शियल दुकानें, जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हम अपने जीवन शैली में उतारते हैं और मकान निर्मित करते हैं, उसमें अगर किसी तरीके का दोष निर्मित होता है तो वो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, जिससे जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, हमारी मानसिक दशा को प्रभावित कर सकता है, हमारी आर्थिक समृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारे जो मकान हैं वास्तुसम्मत बनाने चाहिए, उनके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। वास्तु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हम अपने जीवन को समृद्ध भी बना सकते हैं, हम उसके तहत एक स्वस्थ की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अपने भाग्य की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। और वास्तु सम्मत किसी मकान को या दुकान को बनाने से कम खर्चे में भी एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था होती है। अच्छा व्यास जी, ये जो वास्तुशास्त्र है, वास्तु अभी 20-25 सालों से लोग सुन रहे हैं, लोग जान रहे हैं, अच्छा ये वैज्ञानिक है या धार्मिक है, इसकी व्याख्या क्या हो सकती है? 20-25 सालों में वास्तु जो है बहुत तेजी से चलता आ रहा है और लोगों का ध्यान भी इस ओर बहुत आकर्षित हो रहा है। पुराने समय में जो हमारे मकान बने होते थे वो पिरामिड शेप के होते थे, शौचालय हो गए, स्नान घर हो गए, ये सब बहुत दूर होते थे, और किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं को जैसे अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो हमारे 5 तत्व है, इनको किसी प्रकार से हम बाधित नहीं करते थे, तो वो एक प्रकार का है वास्तु था। लेकिन आने वाले समय में जो हम चल रहे हैं, यहाँ पर हम सीमेंट का, गारे का उपयोग करते हैं और हम इन हवाओं को, रोशनियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं जनरेट होंगी वहाँ पर वास्तु दोष निर्मित हो जाएगा। इसलिए इन सालों में जो परेशानियाँ लोगों की बढ़ रही है, उन परेशानियों के तहत वास्तु दोष जो है बनते चले जा रहे हैं और लोगों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हो रहा है। अच्छा व्यास जी, देखा जाए जैसे खाली प्लाट है या मकान बना, खाली प्लाट में मकान बनाना बना लेते हैं लोग, या फिर बने हुए मकान में वास्तु दोष होता है, तो उसका निवारण क्या विधि कैसे हो सकता है? देखिए, अगर वास्तु अनुसार कोई मकान का निर्माण हमको करना है तो खाली प्लाट से ही मकान का निर्माण करते हैं तो बेनिफिशियल होता है, उससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो प्रॉपर तरीके से वास्तु निर्मित आप मकान बना सकोगे, दूसरा कि अगर वास्तु के अनुसार आपका मकान बनता है तो कम से कम खर्चे पर अच्छे से अच्छा मकान बनाया जा सकता है। एक अच्छा आवास वो नहीं कहलाता जिसमें बहुत सारे हमने पुट्टी कर दी, अच्छा मकान बना दिया, या बहुत सारे कलर कर दिए, या बहुत सुंदर डिजाइन बना दिया, वो एक वास्तु अनुरूप ये आवश्यक नहीं कि वो हो। वास्तु के अनुसार जो है खाली प्लाट में हमको बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी सुविधा अनुसार अपने व्यवस्थित तौर पर एक अच्छा मकान तैयार कर सकें। लेकिन यदि ये बने हुए मकान पर लागू करते हैं तो थोड़ा समस्या आती है, क्योंकि प्रकृति से मिलने वाली जो ऊर्जाएं हैं वो अगर हम कहीं किसी भी तौर पर बाधित करते हैं तो उन परिस्थितियों में ये किसी भी बने हुए मकान वास्तु दोषपूर्ण ही कहलाएंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से या बहुत बड़े यंत्रों के द्वारा उसका 100% निवारण नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा है कि खाली प्लाट में पहले कंसल्ट किया जाए, कंसल्ट करने के बाद एक अच्छे तरीके से उसका मैप बनाया जाए वास्तु अनुरूप और फिर उसका निर्माण किया जाए। कहा जाता है व्यास जी कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, मकान बन जाता है
मकान बना चुके रहते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि भाई वास्तु दोष है अगर इसमें, इसका निराकरण कैसे हो सकता है, बताएं इस बारे में। जी, यदि यदि हमारा मकान बन चुका है पहले और मकान बनने के बाद हम चाहते हैं कि उसमें वास्तु दोष खत्म कर दें, तो ये 100% आवश्यक नहीं कि वहाँ से वास्तु दोष खत्म हो, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें आप यंत्रों को या मंत्रों को रख के वास्तु दोष खत्म कर सकें, क्योंकि एक नेचर का पार्ट है और नेचर से बाधित आपने किसी व्यवस्था को कर दिया है तो उसको नेचर के सम्मिलित होकर ही हटाया जा सकता है, किसी बड़ी व्यवस्था ये या यंत्रों के द्वारा उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उसका निराकरण तो है कि जो यंत्रों के द्वारा हम जो कुछ करते हैं उसमें हमको 10-20% राहत मिल सकती है, आप 100% राहत नहीं मिलेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बेस्ट हमारी अंदर की व्यवस्थाएं, जैसे सोने की व्यवस्था है, हमारे खाने खाने की व्यवस्था है, हमारे जो किचन की है, हमारे कपड़ों की, हमारे रंगों की व्यवस्था है, उनमें सुधार करके कुछ वास्तु में सुधार किया जा सकता है, लेकिन वो 100% सुधार की कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा, मैं जैसे यह सरल विधि क्या हो सकती है जिसमें आम आदमी प्लाट पर मकान बनाए और उसमें वास्तु आपके अनुसार कहने क्या होती है? मकान जब भी प्लाट हम खरीदें तो सबसे पहले कोशिश करें कि मकान जो है, प्लाट हमारा जो है वो वर्गाकार हो। वर्गाकार जो प्लाट होता है उसमें वास्तु के द्वारा मकान भी अच्छा निर्मित होता है और उसमें खर्च भी कम आता है। तो सबसे पहले कोशिश की जाए कि प्लाट जो वर्गाकार हो। अगर ऐसा नहीं होता है और प्लाट हमको आयताकार लेना पड़ता है तो उसमें ये कोशिश की जाए कि लंबाई जो है बहुत ज़्यादा ना हो चौड़ाई की तुलना में, ये लगभग 1.5 गुना के आसपास हो तो भी चलता है। इससे खर्चे जो हैं हमारे कम होंगे और एक अच्छा वास्तु का मकान का निर्मित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, अरुण व्यास जी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। इनसे मुलाकात होगी और भी जाना जाएगा वास्तु शास्त्र के बारे में।